तां गैंगस्टर गोल्डी ब्रार दा एक नवा जिहड़ा हैगा ए इंटरव्यू सामने आया अते इस इंटरव्यू दे विच खास तौर ते उस दे वल्लों कई गल्लां दा कबूलनामा किया गया है अते खास अते अहम जिहड़ी गल सी ओह सी सिद्धू मूसेवाला दे मर्डर दे नाल जुड़ी हुई जिस दे बारे विच की लगातार चारों पासे चर्चावां हुंदियां रहियां ने अते इस दे बारे विच हुण खुलासा जो है वह खुद इस वीडियो दे विच इस ऑडियो क्लिप दे विच खास तौर पर सुनन नूं मिल जांदा है जिथे कि एक निजी चैनल दे रिपोर्टर दे नाल गलबात हुंदी है फोन दे उपर इस खूंखार गैंगस्टर दी अते गैंगस्टर दे वल्लों कबूलनामा किया जाता है कि हाँ साढ़े वल्लों ही जिहड़ा मर्डर है सिद्धू मूसेवाला दा करवाया जाता है परंतु नाल दी नाल जदों इस दे बारे विच इंटरव्यू करन वाले पत्रकार दे वल्लों पूछा जाता है कि आखिर अजिहा क्यों होया अते क्यों करवाया गया तुहाडे वल्लों ये सब तो उस दे वल्लों कहा गया कि कोई एक कारण नहीं सी बल्कि बहुत सारे कारण सी जिस करके साढ़े वल्लों इस पूरी दी पूरी वारदात नूं अंजाम दिता गया है पर नाल दी नाल उस दे विच ही एक गलबात जिहड़ी हैगी आ होर जुड़ जाती है तो वह गल जुड़ती है सलमान खान के बारे में सलमान खान के बारे में भी उस दे वल्लों कहा गया कि उसका भी नंबर आने वाला है पर आने वाले वक्त जेकर वो साढ़े तो माफ़ी मंग लेंदा है तो असं उसनों छड भी देवे पर इस सब के दरम्यान बॉलीवुड के लिंक या फिर इतने बॉलीवुड के लिंक अते खास तौर पर सिद्धू मूसेवाला का जिहड़ा हैगा इस दे विच कनैक्शन जुड़ जाता है इस दे बारे विच भी तुहानू दसांगे प्लस नाल दी नाल दस दिए कि इस सब के दरम्यान नाल दी नाल नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA दे वल्लों लगातार पुछगिछ की जा रही है लॉरेंस बिश्नोई तो भी तो लॉरेंस बिश्नोई दे वल्लों भी जिहड़ी हैगी है इसे प्रकार दे नाल खुलासे किए गए हैं अते उस दे वल्लों भी मूसेवाला दे इलावा नाल दी नाल सलमान खान का भी जिक्र किया गया है तो उसके वल्लों भी यही गल कही गई है कि साढ़े वल्लों इस पूरी की पूरी जी वारदात है उसनों अंजाम दिता जरूर गया है पर उस दे वल्लों भी जोड़े है कई अहम खुलासे किए गए हैं तो हूँ इस सब के दरम्यान उन्होंने वल्लों कि अजि गल कही गई है जिस दे बारे में लगातार सारे लोग जानना चाहते सी अते इस कबूलनामे दे विच उस दे वल्लों जिहड़े अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं अते किस किस बंदे नूं निशाना बनाया गया है अते किहड़े किहड़े होर अतवादी संगठना अते खास तौर ते इस दे विच अतवादी रिंदा दाऊद इब्राहिम अते होर बहुत सारे लोगों के नाम किस तरह के नाल जुड़ जाते हैं अते किवें पाकिस्तानी एजेंसी ISI भी इस दे विच शुमार हो जाती है आओ सुनाउणे आ तुहानूं इस विशेष रिपोर्ट दे विच मरहूम गायक सिद्धू मूसेवाला दे कतल दे मामले च वड्डी खबर सामने आई है बदनाम गैंगस्टर गोल्डी ब्राड़ ने हैरान कर देने वाला खुलासा कर दिता है कि उसने ही सिद्धू मूसेवाले की हत्या करवाई थी इन्ना ही नहीं उसने यह भी कहा है कि बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान भी उसके निशाने के उपर मौजूद ने मौका मिलिया तो उसनू भी जरूर मारांगे उसने यह प्रगटावा एक न्यूज़ चैनल के नाल कीती गलबात के दौरान किया है गोल्डी ब्राड भारत का मोस्ट वांटड क्रिमिनल है और इंटरपोल ने उसके खिलाफ नोटिस भी जारी किया होया है इस तो अलावा दस दिए कि उसने दसिया है कि इस वास्ते इस कारण मारिया सी सिद्धू मूसेवाले नू गोल्डी ब्राड ने इंटरव्यू दे विच दस्या कि उसने मूसेवाला दा कतल आखिर क्यों करवाया ब्राड ने कहा है कि मूसेवाला विगड़िया होया सी उस कोल बहुत ज्यादा पैसा सी इसलिए उसनू हंकार हो गया सी मूसेवाला दे कोल पैसे दी पावर दे नाल नाल सियासी पावर भी बहुत सी उसने इन्हां सब दी दुरवरतों शुरू कर दी सी यह बहुत सारे कारण सन मूसेवाला नू मारन दे वास्ते उसने साडा कुछ निजी नुकसान भी किया सी कुछ अजिहियां गलतियां कीतियां सन जो माफ करन दे योग नहीं सन इसे लई असी उसनू सजा दिती गोल्डी ब्राड ने अगे कहा कि सरकार इंसाफ नहीं करदी एक अमीर आदमी जो हर महीने करोड़ों रुपए कमाउंदा होवे जिस नाल SSP DGP दा उठना बैठना होवे उस विरुद्ध अदालतां तो सानू भला की इंसाफ मिल सकदा सी इस लई असी आप ही सजा दे दिती है इस तो अलावा नाल दी नाल खालिस्तान अते ISI दे उपर भी बोलिया है गोल्डी ब्राड़ जी हाँ दस दिए कि गोल्डी ब्राड़ ने खालिस्तान अते ISI दे बारे विच भी गल कीती है दाऊद इब्राहिम दे बारे विच उसने कहा है कि जो साडे देश दे विच बंब धमाके करदा है उस नाल साडी कोई दोस्ती नहीं ब्राड़ ने दस्या कि पाकिस्तान दे विच रहिंदे अतवादी हरविंदर सिंह रिंदा दे नाल उसकी गल हुंदी रहिंदी सी रिंदा ने ही सिद्धू मूसेवाला दे नाल उसका समझौता भी करवाया सी
गोल्डी ने कहा है कि ओह नशियां दा कारोबार नहीं करदा, हालांकि उसने पाकिस्तान तो हथियारां दी समगलिंग तो इनकार भी नहीं किया है। तो हुण इन्हां सारे खुलासियां दे दरमियान नाल दी नाल एक वड्डा सवाल यह खड़ा हुंदा है कि आखिर कदों इस गैंगस्टर दे उपर नकेल कसी जाएगी, कदों इस दे गिरेबान दे उपर हथ होवेगा पुलिस दा, अते कदों ये सारियां जिहड़ियां घटनावां हुंदियां ने उन्हां नूं वारदातां नूं अंजाम देने वाले जिहड़े लोग ने गुमनाम हो के ऐसे ही दुनिया दे विच सकून दे नाल जिंदगियां जी रहे ने, अते जिहड़े लोग ने उस चीज़ तो पीड़ित हो के, अते खास तौर पर इत्थे जेकर गल करिए सिद्धू मूसेवाला दे मातमयां दी, उन्हां दे माँ बाप की, तो उन्हां दे बुरे हाल अते उन्हां दे वल्लों इंसाफ दीआं जिहड़ियां आवाज़ां बुलंद लगातार कीतियां जांदियां ने उसके बारे में सोचण सार ही अखां दे विच हंझू आ जांदे ने। तो इस सब के दरम्यान की इन्वेस्टिगेशन दे विच जल्द तो जल्द इंसाफ मिलेगा कि सिद्धू मूसेवाला दे बारे विच जो कुछ भी हुण तक इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है उस दे नाल गोल्डी ब्राड दे गिरेबान तक हथ पहुँच चुका है NIA दा जां फिर किसी होर एजेंसी दा, जां फिर इस सब दे दरम्यान लगातार इस तरह दे ऑडियो कॉल दे जरिए पत्रकारां दे वल्लों कीतियां हुईयां गल्लां बातां दे जिहड़े हैगे ने रिकॉर्डिंग्स आउंदियां रहणगियां, अते इसे तरह दे नाल इस सारा ताणा बाणा लगातार इंज ही चलदा रहेगा। इस दे बारे विच इक वड्डा सवाल लगातार खड़ा होया है। बाकी इस सब के बारे में तुम की कहना चाहोगे कमेंट सैक्शन के जाके अपनी राय साझी करना बिल्कुल भी ना भुलना। इसी के ही इम्तियाज़ बरानू दियो इजाजत, सत श्री अकाल।